Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. My name is CS Payal and इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं privatisation के बारे में. See, मैंने आपको बताया कि 1991 में economic reforms आए थे LPG के नाम से. अगर आपने मेरी previous video नहीं देखी है जिसमें मैंने liberalisation को explain किया है, with that economic reforms लाने के पीछे का reason बताया है, तो please आप वो video जरूर देखिएगा. And इस particular video में हम बात करेंगे LPG में P के बारे में, that is privatisation के बारे में. हमारे यहाँ पे एक ज़माना था जहाँ पे business करना बहुत ज़्यादा difficult होता था किसी भी private person के लिए. तो liberalisation, privatisation and globalisation से government ने ensure किया कि इंडिया में बिजनेस करना थोड़ा सा इजी हो जाए. बट प्राइवेटाइजेशन का उसमें क्या रोल था उसके बारे में हम बात करेंगे अभी. ये बोलते हैं द न्यू सेट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एम्ड एट गिविंग ग्रेटर रोल टू द प्राइवेट सेक्टर इन द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस एंड अ रिड्यूस्ड रोल ऑफ टू द पब्लिक सेक्टर. एक स्टोरी सुनाती हूँ मैं, ध्यान से सुनिएगा. देखिए, एक जमाना था जब सारी इंडस्ट्रीज पब्लिक सेक्टर के अंडर आती थी, मतलब गवर्नमेंट वाले सारी प्रोडक्शन करते थे. सोचिए वो ज़माना कैसा होगा, गवर्नमेंट वाले सारी प्रोडक्शन करते थे. अब हम सबको बताएं कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स की क्या मेंटालिटी होती है. गवर्नमेंट ऑफिसर्स बहुत ही लिथार्जिक बन जाते हैं एक टाइम के बाद, क्योंकि उनको पता होता है कि वो प्रोड्यूस करें या नहीं करें, उनको तो सैलरी मिल ही जाएगी. उनके ऊपर प्राइवेट सेक्टर जैसा उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं होता, उतना ज़्यादा उन्हें फोर्स नहीं किया जाता बेटर बनने के लिए, एफिशिएंसी मेंटेन रखने के लिए. तो इनकी भी सोच ऐसे ही थी. यहाँ पे जितने भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे थे उनको लगता था हम तो खाली बैठेंगे, पैसे तो हमें मिल ही जाएंगे मंथ के एंड में. ऐसे ही इनको तो पैसे मिल जाते थे, लेकिन देश में प्रोडक्शन कितना हो रहा था, प्रोडक्शन घटता जा रहा था. क्योंकि भाई साहब तो अभी क्या कर रहे होते थे, रेस्ट कर रहे होते थे. तो ऐसे सिनेरियो में देश की जीडीपी, देश की नेशनल इनकम, देश में इन्फ्लेशन, ये सारी चीज़ें, जीडीपी, नेशनल इनकम डिक्रीज हो रहे थे, इन्फ्लेशन बढ़ रहा था, और भी बहुत सारे ऐसे चेंजेस आ रहे थे जिसकी वजह से इकोनॉमी बैठती जा रही थी. तो गवर्नमेंट ने सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब ऐसा हुआ क्या कि हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन डिक्रीज हो गई. तो गवर्नमेंट को समझ में आया कि हमें अगर चाहिए इंडिया में बेटर और ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस हों, तो उसके लिए ज़रूरी है कंपटीशन बढ़ाना. अब गवर्नमेंट वाले तो गवर्नमेंट वालों के साथ कंपटीशन करेंगे नहीं, तो कंपटीशन के लिए क्यों ना हम प्राइवेट सेक्टर को बीच में लेके आए. अब प्राइवेट सेक्टर वाला तो अपने प्रॉफिट के बारे में सोचेगा. मान लीजिए अगर मेरा बिजनेस होगा तो मैं तो अपने प्रॉफिट के बारे में सोचूंगी, जितना ज़्यादा प्रोड्यूस करूँगी उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा, जितना ज़्यादा कॉम्पीट करूँगी उतना ज़्यादा मेरा वैल्यू बढ़ेगा मार्केट में. तो इन्होंने बोला कि क्यों ना प्राइवेट सेक्टर को बीच में ले आए. और यही प्राइवेट सेक्टर को बीच में लाना हमारा कहलाया जाता है प्राइवेटाइजेशन. मतलब इकोनॉमी में पब्लिक सेक्टर का रोल हटाओ, प्राइवेट सेक्टर को लाओ, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशन हो, जिसके चलते हुए ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो और हमारे कस्टमर्स को बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल दिखें. अब गवर्नमेंट वाले दो प्रोडक्ट बनाते थे, उनमें आपको चॉइस क्या करनी पड़े, आपको यूज़ ही करना पड़ता था, गवर्नमेंट की मोनोपोली थी. लेकिन जब प्राइवेट आएगा तो वो तो नई नई चीज़ें लाएगा कि भैया ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर अट्रैक्ट करें. जब वो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर अट्रैक्ट करने के बारे में सोचेगा तो प्रोडक्शन बहुत तेज़ी से बढ़ेगी, कंपनी की, कंट्री की जीडीपी बहुत तेज़ी से बढ़ेगी, कंट्री की नेशनल इनकम बहुत तेज़ी से बढ़ेगी. क्योंकि प्राइवेट सेक्टर आएगा, प्रोडक्शन बढ़ाएगा, लोगों को हायर करेगा, एम्प्लॉयमेंट के लिए रखेगा, लोग सैलरी कमा के ले जाएंगे, उनके घर में पैसा आएगा, फिर वो भी तो खर्च करना शुरू करेंगे. पूरी एक ये साइकिल होती है, ये आप सारा समझेंगे इकोनॉमिक्स में. तो ये पूरी एक साइकिल होती है जिसके चलते हुए आपकी पूरी इकोनॉमी चलती रहती है. सो यहाँ ये बोलते हैं कि अगर ग्रेटर रोल होगा प्राइवेट सेक्टर का नेशन बिल्डिंग में,
तो वो प्राइवेटाइजेशन कहलाया जाएगा. दिस वॉज अ रिवर्सल ऑफ डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी परस्यूड सो फार बाय द इंडियन प्लानर्स. इससे पहले इंडियन प्लानर्स हमेशा सोचा करते थे कि भैया पब्लिक सेक्टर ही स्टेबिलिटी ला सकता है, लेकिन फिर उनको लगा नहीं यार, थोड़ा सा अपन गलत जा रहे हैं. पब्लिक सेक्टर एक लिमिट तक ही वर्क करता है ढंग से, उसके बाद प्राइवेट सेक्टर का होना ज़रूरी है. और आज की बात करें तो कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसमें प्राइवेट सेक्टर नहीं आया. पहले हम बहुत खुले में बोलते थे कि रेलवेज़ में प्राइवेट सेक्टर नहीं आया, बट रिसेंटली रेलवेज़ में भी प्राइवेट सेक्टर को एंट्री मिल गई है. चाहे छोटी सी मिली है, बढ़ती जाएगी तो वो, लेकिन मिल तो गई. तो आज हर सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर आ चुका है. देन दे से टू अचीव दिस द गवर्नमेंट रीडिफाइंड द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991, अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ प्लान्ड डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ द पब्लिक सेक्टर एंड डिसाइडेड टू रेफर द लॉस मेकिंग एंड सिक एंटरप्राइजेस टू द बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन. सो ये सारी चीज़ें क्या हुई, 1991 के बाद चेंज हुई. प्राइवेट सेक्टर को हमने ज़्यादा वैल्यू देने शुरू करी, प्राइवेट सेक्टर को हमने ज़्यादा तवज्जो देने शुरू करी और सोसाइटी में ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट कंपनीज आने लगी. द टर्म डिसइन्वेस्टमेंट यूज्ड हियर मींस ट्रांसफर ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस टू प्राइवेट सेक्टर. डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब है पब्लिक सेक्टर के जो एंटरप्राइजेस थे उनमें हमने प्राइवेट सेक्टर को घुसा दिया, मतलब इनको शेयर्स वगैरह बेच दिए, इनको हमने सारी चीज़ों में इन्वॉल्व करना स्टार्ट कर दिया. तो इस तरह से इनका रोल बढ़ गया. डिसइन्वेस्टमेंट अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसको आप अगेन इकोनॉमिक्स में अच्छे से देखेंगे. सो ये था हमारा प्राइवेटाइजेशन. आई होप आपको एलपीजी का एल एंड पी दोनों समझ में आ गया है. अब बस बचा है हमारा जी, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं. विद दैट अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. एंड 11th एंड 12th दोनों ही क्लासेस के बिजनेस स्टडीज़ की पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है मैग्नेट ब्रेन चैनल पे. सो अभी तक अगर आपने नहीं देखी है देख लीजिए, सारे चैप्टर्स अवेलेबल हैं वन बाय वन. तो उन सब चीज़ों को देख के आप लुफ्त उठाइए उसका. थैंक यू सो मच.